हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो इस वीडियो में हम कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसका अपॉइंटमेंट और उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होता है। द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर वायलेटेड। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस देती है कि आप रेगुलेट करो और लाइसेंस प्रोवाइड करो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि वो वर्क करें और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सब्सक्राइबर्स को इशू करें, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी की पूरी देखरेख करेगा हमारा कंट्रोलर कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो आईटी एक्ट के अगेंस्ट जारी है, कोई भी रूल रेगुलेशन या कोई भी प्रोविजन सर्टिफाइंग अथॉरिटी वायलेट ना करे। वो भी कौन चेक करेगा? कंट्रोलर। ओके, सो ये वाला जो फ्लो चार्ट है यू शुड नो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर किसके अंडर आता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के। सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही तो इशू करती है ना, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से सब्सक्राइबर को क्या मिलता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज किसके अंडर वर्क करती हैं? कंट्रोलर के अंडर। जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वही सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस देगा कि आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो और आप वर्क करो एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या देता है? लाइसेंस टू वर्क एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो सबसे पहले कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, फिर जो कंट्रोलर है वो लाइसेंस देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज पिक्चर में आ गई, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इशू कर सकती हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स किसे? सब्सक्राइबर को। तो ये फ्लो चार्ट अगर आप थोड़ा समझ लो, याद कर लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइक यू कैन ईजिली रिमेंबर पॉइंट्स। जैसे कि जो भी अगर आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लिखना होगा तो आप ये लिखोगे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसे काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोलर वर्क करता है, अपॉइंट भी कंट्रोलर को सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, अब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की देख रेख करता है, उनके लाइसेंस देखता है। तो मतलब इसी फ्लो चार्ट से आपको काफ़ी चीज़ें खुद से आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर कैसे होता है। कंट्रोलर ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे अपॉइंट करेगी? ऑफिशियल गजटेड के थ्रू। जैसे ऑफिशियल गजट इज अ एक सरकारी कागज कह सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी एक्ट वगैरह है ना, आप देखोगे ना, जैसे अगर आई टी एक्ट है, आई टी एक्ट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इफ यू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल, तो आपको उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ दिखेगा कि ये ऑफिशियल गजट है। तो ऑफिशियल गजट सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है। ओके, सो कंट्रोलर का जो भी अपॉइंटमेंट है वो ऑफिशियल गजट के थ्रू होगा। और अगर कंट्रोलर को अपने अंडर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स चाहिए, जैसे कोई डिप्टी कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, या फिर और एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। और हो सकता है कि उसी ऑफिशियल गजट में, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू कर दे कि सो एंड सो इज अ कंट्रोलर एंड ए बी सी डी इज डिप्टी कंट्रोलर, एक्स वाई जी इज असिस्टेंट कंट्रोलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या अलग अलग ऑफिशियल गजट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नोटिस ला सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे फर्स्ट नोटिस में कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट डाल दिया, सेकेंड नोटिस में असिस्टेंट कंट्रोलर का, और ऐसे ही जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे उनके लिए अलग अलग ऐसे भी कर सकता है, या फिर एक ही ऑफिशियल गजट में सारे एम्प्लॉयमेंट्स कर सकता है, सभी को अपॉइंट कर सकता है। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं कि सर्विस कैसे करनी है कैसे नहीं कंट्रोलर को, डिप्टी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को, और बाकी सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी कि फॉर से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में जब भी हम आपको कंट्रोलर अपॉइंट करेंगे। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे प्रिस्क्राइब करेगी।
देन कंट्रोलर शेड डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर द एक्ट. जो भी सारे फंक्शंस हैं कंट्रोलर के वो कौन से एक्ट के अंदर चलेंगे? आईटी एक्ट के अंदर. और वो सारी चीजें कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वही जो पहले हमने फ्लो चार्ट देखा था, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, कंट्रोलर का सारा कनेक्शन किससे दिखाया जा रहा है? उसकी अपर बॉडी से. उसकी अपर बॉडी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. की सारी जो भी फंक्शंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के और कंट्रोल के अंदर ही परफॉर्म करेगा द कंट्रोलर, है ना. और अपॉइंट भी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, और फिर क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस भी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी. सो आगे देखते हैं. डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे कंट्रोलर के अंडर रहेंगी. सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस जो चल रही है ना, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और बाकी सारे जितने भी कंट्रोलर के अंडर सारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो भी सारी फंक्शंस हैं, सारी ड्यूटीज हैं, वो कंट्रोलर देखेगा. सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और ड्यूटीज देखेगा. लेकिन अपॉइंटमेंट कौन देखेगा सारे एम्प्लॉयज का? चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे डिप्टी हो, या फिर कोई भी एम्प्लॉय, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर. आगे चलते हैं. लेट्स सी फंक्शंस ऑफ सीसीए. सीसीए सीसीए स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. सो द फर्स्ट इज टू एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. रेगुलेटर से ही समझ आ रहा है हमें कि इस फंक्शन में क्या होगा. टू रेगुलेट का मतलब क्या होता है? टू सुपरवाइज, मतलब किसी को कंट्रोल में रखना. तो सबसे पहला फंक्शन कंट्रोलर का क्या है? उसकी जो लोअर बॉडी है दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, उनको कंट्रोल में रखना. तो रेगुलेटरी फंक्शन है फर्स्ट. सो ये कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस हैं कंट्रोलर के. फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी फर्स्ट इज एक्सरसाइज द सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. मतलब कंट्रोलर देखेगा, सुपरवाइज करेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज में, वो ठीक हो रही हैं या गलत हो रही हैं, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है. अगर काम हो रहा है तो वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं. तो सारी चीजों का सुपरविजन रखेगा कंट्रोलर. नेक्स्ट टू सर्टिफाई पब्लिक की ऑफ सी एज. तो जो सीए पब्लिक की देने वाला है सब्सक्राइबर को, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो सब्सक्राइबर को एक पब्लिक की इशू करने वाले हैं, तो वो कौन सर्टिफाई करेगा? कंट्रोलर. देन नेक्स्ट टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. जो भी स्टैंडर्ड्स, जिस भी मतलब एक होते हैं ना कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स इतने ही होने चाहिए काम करने के लिए, अगर इससे कम हुए तो आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे. तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन बताएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को? कंट्रोलर. देखो हर एक जगह, हर एक स्टेट का जो है जोग्राफिकल एरिया अलग होता है, वहाँ का वेदर अलग होता है, तो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस और सारी चीज़ें अलग होती हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. तो उस कंट्रोलर खुद ही देखेगा कि फॉर से असम में है कोई अगर ऑफिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, तो कंट्रोलर वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट को देख के स्टैंडर्ड्स बताएगा कि आपको ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है. अगर कोई दिल्ली में है तो दिल्ली के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बताया जाएगा कि आपको ऐसे करना है, और वो कौन बताएगा? कंट्रोलर. देन फोर्थ वन, टू स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस भी हमारा कंट्रोलर ही बताएगा. नेक्स्ट टू स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस. तो बिजनेस की क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फॉर से अगर आपका ऑफिस की रिक्वायरमेंट बोली जैसे कंट्रोलर ने कि आपका जो ऑफिस है वो कम से कम 1 एकड़ में होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा ऑफिस होना ही चाहिए, या फिर उन्होंने बोला आपके ऑफिस में इतना रूम होने चाहिए और एसीज होने चाहिए, टेबल चेयर ऐसी होनी चाहिए, मतलब एक एक चीज कंट्रोलर स्पेसिफाई कर सकता है. ठीक है. इट इज टोटली अप टू द कंट्रोलर कि वो कैसा काम चाहता है, क्या कंडीशन चाहता है, क्या स्टैंडर्ड चाहता है. सिक्स, देखो टू स्पेसिफाई द टर्म्स एंड द मैनर फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स. मतलब जो भी अकाउंट्स हैं, देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अब काम कर रही हैं तो उनका प्रॉफिट लॉस वाला चीज तो चले गई है, है ना. तो उनके जो सारे अकाउंट्स हैं और वो अकाउंट्स कौन देख रहा है, ऑडिटर है, ऑडिटर की कितनी रेम्यूनरेशन जा रही है, तो वो सारी चीजें भी स्पेसिफाई कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा कि आपको इस मैनर में अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपको इतने टाइम में ऑडिटिंग करानी है, और आपको इतना रेम्यूनरेशन देना ही है, मिनिमम रेम्यूनरेशन. ठीक है. तो ये सब कौन बताएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को? कंट्रोलर. तो ये क्या कर रहे? रेगुलेट ही तो कर रहा है, कंट्रोल ही तो कर रहा है, सुपरवाइज ही तो कर रहा है सारे फंक्शंस में, कि बता रहे आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपके यहाँ ऐसा काम होना चाहिए, वैसा काम होना चाहिए. तो दिस इज रेगुलेटरी फंक्शन. सेवंथ, देखो टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ सच सिस्टम टू स्पेसिफाई द मैनर ऑफ कंडक्टिंग डीलिंग बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज विद द सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे क्या करें, फैसिलिटेट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया से आपको पीसीज चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, उस कंप्यूटर में एटलीस्ट 11 विंडोज होना चाहिए, विंडो 11 होना चाहिए, तो ये सारी जो फैसिलिटेट करेगा, मतलब हेल्प करेगा कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए, कि आप ऐसा अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो ठीक है, हम आपको बताएंगे कहाँ से लेना है, कैसा लेना है, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए और उनका कैसे काम होना चाहिए। तो ये फैसिलिटेट मतलब टू हेल्प मतलब है ना, तो इस चीज में भी कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी की हेल्प करेगा। नेक्स्ट 8S टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर। अगर सब्सक्राइबर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कौन रिजॉल्व करेगा, कंट्रोलर। देन 9th टू ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की जो जो ड्यूटीज हैं, जो उन्हें परफॉर्म करनी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी कंट्रोलर ही बताएगा। नेक्स्ट टू मेंटेन द डेटाबेस फॉर एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंटेनिंग देयर डिस्क्लोजर रिकॉर्ड एज वेल एज सच पर्टिकुलर्स मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस विच शेल बी असेसिबल टू द पब्लिक। मतलब पूरा डेटाबेस मेंटेन करना है हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जो जो रिकॉर्ड्स दिए हैं, जैसे उन्होंने बताया है कि ये वाला डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हमने वेरीफाई करके इशू करे हैं और इनको रिजेक्ट कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया, तो सारा रिकॉर्ड जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का, उसका डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा कंट्रोलर को। ठीक है, सो दीज आर ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। और कंट्रोलर किसे रेगुलेट करेगा, अपनी लोअर बॉडी को। कंट्रोलर के अंडर कौन सी लोअर बॉडी आती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नाम से ही पता चला कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब कंट्रोल कर रहा है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उसकी वर्किंग्स को। ओके, नेक्स्ट और फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट फंक्शन इज टू रिकग्नाइज द फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो जो कंट्रोलर है ना, उसके पास इतना पावर है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन एस्टैब्लिश्ड कंपनी चाह रहा है कि उसे इंडिया में आके एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना है, तो कंट्रोलर सबसे पहले परमिशन लेगा किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद उसको ऑफिशियल गजट में मतलब नोटिफाई करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंपनी है अब जो हमारे इंडिया में एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वर्क करने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है कंट्रोलर का कि वो किसी भी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन कंट्री की किसी भी इंडिविजुअल को सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना सकता है। और कंट्रोलर का इतना मतलब उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो रिवोक भी कर सकता है। और अगर जैसे किसी फॉरेन कंपनी ने अप्लाई किया तो लाइक कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप एप्लीकेबल नहीं हो टू बी अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन इंडिया, तो उसका भी जो रीजन है वो स्पेसिफाई करेगा कंट्रोलर ऑफिशियल गजट में, रीजन बताएगा कि क्यों रिजेक्ट करा है। नेक्स्ट इज टू ग्रांट लाइसेंस टू सीएस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कंट्रोलर लाइसेंस देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को। लाइसेंस का क्या करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, उनके पास लाइसेंस मिल गया तो अब वो फर्दर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इश्यू कर सकते हैं। तो कंट्रोलर विल ग्रांट द लाइसेंस जिसका भी उसे लगेगा कि हाँ ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लायक है, इसके पास इतना इतना सब कुछ, मतलब जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए, वो सब चेक करके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं, तो कंट्रोलर लाइसेंस दे देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंड द लाइसेंस। तो अगर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है, तो कंट्रोलर कैन सस्पेंड द लाइसेंस। तो अगर कोई भी लाइक ये 4 to 5 years अराउंड 4 बेसिस हैं जिस पे लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का। जैसे अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने कोई स्टैंडर्ड्स जो कंट्रोलर ने स्पेसिफाई करे थे वो मेंटेन नहीं करे, या कंप्लायंस उसका नहीं हो पाया अकॉर्डिंग टू द एक्ट, या भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो करने के, वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए फेल हो गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, तो इस बेसिस पे कंट्रोलर कैन सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलर के ज्यादा फंक्शंस आपने देखे क्या है, वो रेगुलेट कर रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, उनका लाइसेंस इशू कर रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का, लाइसेंस सस्पेंड कर रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, या फिर फॉरेन
किसी भी कंट्री का कोई कंपनी, इफ दे वांट टू बी अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो उनको भी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.